हमारी 20वीं सदी में हर मुल्क किसी दूसरे मुल्क से जंग लड़ने को तैयार है। जालिम और मजलूम, जीतने वाले और हारने वाले, ये जंग की सदी है और जंग इस सदी का कलंक है। ये कहानी है उस वक्त की जब दुनिया भर के तानाशाह अपना रुतबा, अपनी ताकत और अपनी दौलत बढ़ाने के रास्ते ढूंढ रहे थे। उनकी आंखों में एक ही ख्वाब था, रोम जैसी शानदार सल्तनत दोबारा कायम करना। सन 1911 में इटली भी इसी होड़ में जुट गया। निशाना था भूमध्य सागर के दूसरी तरफ बसा मुल्क लीबिया। उनकी फौज उतारी गई त्रिपोली पर और बेंगाजी, स्वारा, सर्ट, जैना और टोब्रुक पर भी। मगर लीबिया वासियों ने हर शहर में हमलावरों को मुंह तोड़ जवाब दिया और उन्हें मजबूरन जंग रोकनी पड़ी। सन 1922 में इटली की हुकूमत में बदलाव आया और दौर शुरू हुआ मुसोलिनी का, तानाशाही का। जब लीबिया में विरोध रोकने के लिए एक के बाद एक तानाशाही फौज भेजी गई तो तनाव और बढ़ता गया। हम पूरी दुनिया पर राज करेंगे और फिर अपने तानाशाही के झंडे को सितारों तक ले जाएंगे। इस फिल्म के सभी पात्र वास्तविक हैं और घटनाएं ऐतिहासिक हैं। बंदूकें उठाओ। सन 1929। बंदूकें उतारो, फायर करो। ये और ये भी मेरी समझ में नहीं आता, अगर हम बेदविनों का शहर जीत चुके हैं तो अब तक इन्हें लटका क्यों रहे हैं? जो जंग मैं जीत चुका हूं वहां फौज भेजने की जरूरत ही क्या है? कितना अच्छा होता अगर मेरे जनरल्स को दो किस्म की रिपोर्ट चाहिए होती, एक उनके लिए जिसमें जीत का शानदार बखान होता और एक अपने लिए जिसमें हार की दास्तान। मैं ये नहीं चलने दूंगा, मैं ये हरगिज नहीं चलने दूंगा। इधर देखो, ये हरियाली, ये उपजाऊ जमीन हमारा मकसद है, बाकी सब बेकार है। एक ऐसे आदमी की जरूरत है जो बहादुरी से उन पर कब्जा कर सके। ग्रैजियानी, आओ मेरे साथ। सावधान। 20 साल, 20 साल हमने इस जंग पर बर्बाद कर दिए बिना किसी नतीजे के। मैंने 5 गवर्नर लीबिया भेजे इन 5 सालों में। नहीं, किसी भी हालत में तानाशाही का एक भी उसूल बदल नहीं दिया जाएगा। आखिर कौन है हम? हम तलवार हैं नई क्रांति की, और सच्चाई में किससे लड़ रहे हैं? रेगिस्तान के कबीलों से, उनके भूतों से? मुझे उनका सरदार चाहिए, उसे मेरे पास लाओ, कुचल दो उनकी क्रांति को। क्या नाम है उसका? उमर मुख्तार। क्या? उमर मुख्तार।
उमर मुख्तार। जानते हो जनरल, वो बंधक जो हमने भिजवाए थे वो दक्षिण के मजदूर, उन्हें भिजवाने पर हमने इतना पैसा खर्चा जितना महल में रहने पर भी नहीं होता। कहीं तो कुछ गलत हो रहा है। नहीं, मुट्ठी भर बेदबिनों के लिए मैं 4 करोड़ इटली वासियों की तरक्की नहीं रोकूंगा। हम तुम्हें लीबिया भेज रहे हैं जनरल, तुम्हारी बेरहम हरकतें उन्हें जरूर डरा देंगी। मैं जब भी विरोधियों का सर कुचलता हूं कमांडर, तो एक साफ दिल सच्चे सिपाही की तरह ही कुचलता हूं। क्रांतिकारी बनने से पहले मुख्तार क्या करता था? वो एक टीचर था। टीचर था? जी हां, मैं भी टीचर था। सावधान रहना, कहीं पहले 5 गवर्नर की तरह वो तुम्हें भी अपना पाठ न पढ़ा दें। तो ठीक है, मुझे जाबाज पसंद है। जाओ लिबिया जाओ। जनरल, मुझे मुख्तार लाकर दो, उसे रिश्वत दो, नहीं तो गर्दन तोड़ दो। शुरू करता हूं अल्लाह के नाम से। अल्लाह जो रहीम व करीम है, उसी अल्लाह की रहमत से कुरान हम तक पहुंचा। उसी ने इंसान बनाया और बोलना सिखाया। उसी ने सूरज और चांद बनाया, हर चीज को सही जगह पर रख के जमीन से फलक को उठाया। रुको, यही रुको। ये बताओ मुझे कि बिस्मिल्लाह रहमान रहीम से कुरान की हर आयत क्यों शुरू होती है? बोलो बेटा। क्योंकि खुदा के कई नामों में से एक नाम रहीम है। हाँ हाँ, बिल्कुल सही। और हमारे अल्लाह ताला अपना रहम कैसे दिखाते हैं? क्योंकि उन्होंने हम सबको बोलना सिखाया। बोलना सिखाया, ठीक कहा। हाँ, मगर हमने जो पढ़ा उसमें कुछ और भी था। कोई मुझे बताएगा वो क्या था? बताओ वो क्या था। वो था मैं इशारे से समझाता हूँ। क्या था वो? वो था तवाजन। हाँ, तवाजन, बिल्कुल ठीक, यानी संतुलन। मगर क्यों खुदा ने तवाजन बनाया? बच्चे क्यों बनाया? बच्चे मुझे बताओ, खुदा ने संतुलन क्यों बनाया? क्योंकि तवाजन के बिना हर चीज गिर जाएगी। चलो मुझे दिखाओ क्या लिखा है तुम। चलो चलो,
संतुलन बिगड़ ही गया। अपने अब्बा के पास ले जाओ। सिद्धू उमर कहाँ है? कहो भूमत अली, क्या खबर लाए हो? नया गवर्नर आया है फिर से। ये हमेशा आते हैं शेर की तरह और घर लौटते हैं थकी बकरी की तरह। इस बार कौन है? ग्राजियानी, फजान को मारने वाला कसाई। ग्राजियानी जानता था, आज नहीं तो कल उसे यहां भेजना ही था। इसका मतलब हम पर और हमले। मेरे अब्बा कहा करते थे, थपेड़े जो तुम्हारी कमर नहीं तोड़ते वो सीधा करते हैं उसे। गर्जियानी भी देख ले हमारी सीधी कमर। कहते हैं गर्जियानी को खून पसंद है, यकीन करने को दिल तो नहीं करता, फिर भी अंदाजन वो कब आ रहा है? बेंगाजी में उसके आने की तैयारी चल रही है।
ख्वातीनो हजरात, सेरे नायका के गवर्नर जनाब जनरल ग्रेजियानी और औस्ता के शहजादे अहमदियो तशरीफ ला रहे हैं। शुक्रिया साहिबान, चूंकि खवातीन यहां मौजूद हैं, इसका ख्याल रखते हुए नाच गाना जारी रखिए। जनरल, मैं कर्नल सरसानी। सर, मैं टॉमेली। ये है कर्नल ड्योडिच सर। ओ हाँ, ड्योडिच, मैंने आपकी रिपोर्ट्स देखी हैं, सुना है आप बदवीनों से हाथ मिलाने से पहले ही दोस्ती कर लेते हैं। ये हमारे लिए काफी मुश्किल होगा, क्योंकि अब हमें अमन कायम रखने के लिए उनका गला दबाना पड़ेगा। सर, कई हजार बेघर बेदविन लोग मेरे किले के बाहर भूखे प्यासे पड़े हैं। हमारे पास उनके लिए कुछ भी नहीं है, उन्हें काबू करना मुश्किल है, इसलिए मुझे जरूरत तुम्हें है। जरूरत है कर्नल, तुम्हें जरूरत है थोड़ी सख्ती की। वो आदमी कौन है? शरीफ उल करियानी। बहुत काम का आदमी है सर, उमर मुख्तार इसका पुराना दोस्त है। उसका दोस्त है? हाँ सर। आप देखेंगे ये वाकई भरोसे के काबिल है। जनरल ग्रेजियानी, आप हैं जनाब शरीफ उल करियानी। सुना है आप उमर मुख्तार को जानते हैं? जानता था। उमर किस तरह से अपने हथियार डालेगा वो मैं नहीं जानता। वो बचपन से ही बहुत बदमिजाज और जिद्दी है, पर अगर मैं किसी तरह से मदद कर सकूं तो मैं खुशी से मदद करने को तैयार हूं। तो फिर हम भी आपको बेहद खुश कर देंगे।
जनरल ग्रेजियानी। जरूरी संदेशा है सर। इंतजार नहीं कर सकते, मेहमान परेशान हो रहे हैं। माफ कीजिएगा साहिबान, कहते हैं कई जंगों की हार सिर्फ इसलिए हुई क्योंकि वक्त रहते संदेशे नहीं पड़े गए। क्या है ये, एक और शिकस्त? हमारे कितने आदमी मरे? 20 सर, और 50 जख्मी है सर। वो फिर बचकर निकल गया? जी, मगर इस बार वो देखा गया। उसे देखा गया? उन्हें कैसे मालूम कि वो वही था? कोई उसे पहचानता नहीं तो उन्हें कैसे यकीन हुआ? पल भर के लिए ही सही, मगर उन्हें यकीन है सर कि वो उमर मुख्तार ही था। तो फिर शायद मुझे उन्हें मुख्तार का चेहरा देखने के लिए मेडल देना चाहिए। वो यहां हो सकता है, यहां हो सकता है, कहीं भी हो सकता है। तो पहले मैं चाहता हूं कि तुम सबसे तेज और सबसे खतरनाक आदमी इस्तेमाल करो और भूल जाओ कि मुख्तार कैसा दिखता है। उसे ना देखने का जुनून सवार है। खून बहा दो, टूट पड़ो उन पर, उनकी बगावत को बेरहमी से खत्म कर दो। बेदवीन उसके सहारे लड़ते हैं, 3 महीने उसके साथ भटकते हैं, बाकी के 3 महीने चैन से गुजारते हैं। तो भले अब चैन नहीं। देखो वहां से कुछ लोग आ रहे हैं। इटली की फौज आ रही है, भागो भागो यहां से, वो लोग आ रहे हैं। इस्माइल अपने भाई की मदद करो। सारी औरतें छिप जाओ। मर्दों को खड़ा करो, चलो चलो, कतार में खड़े हो जाओ, जल्दी चलो, पीछे पीछे खड़े रहो। वो तीनों जो वहां खड़े हैं, और वो दो जो वहां हैं, और हाँ, ये जवान लड़का बिल्कुल सही है। से कुछ फौज में भर्ती होंगे, 3 महीने उस मुख्तार के साथ भटकने की बजाय हमारे साथ पूरे 1 साल कड़ी मेहनत करोगे और मुसीबत से दूर रहोगे। जो आधा अनाज ये मुख्तार को देते हैं जला दो, सब कुछ आधा जला दो। चलो पीछे हटो, पीछे हटो। Thank you.
गोली लगने का जख्म है सर। तुम्हें मुख्तार के साथ भागते हुए गोली लगी थी। लगी थी ना? क्या कहना है तुम्हें? क्या कहना है तुम्हें? सच है ना? तुमने खुद अपनी कब्र खो दी है। गोली मार दो। नहीं, वहां जाकर नहीं, यही इन सब के सामने। मरने से पहले इसे अल्लाह के नाम पर नमाज तौबा करने दो। मैं तुम्हें आगाह करता हूं बुड्ढे। मुझे कुछ करना होगा। बेचारी आयशा, उसका नकाब भी रह गया। या अल्लाह, ऐसे हम बैठ नहीं सकते। मेरे हामिद का पेड़ भी जला दिया। देखा आपने उन्होंने क्या किया। मेरा भाई और आयशा और अब्बू की तरफ देखिए। मैं जा रहा सीधी हवा के पास। तुम बच्चे हो, अभी वक्त नहीं आया है। मैं बच्चा नहीं, बड़ा हो चुका हूं अभी जान। वो चला गया, अब सिर्फ तुम हो।
वो लोग यहीं से निकलेंगे। हम वहां छिपेंगे। वो वहां वही जगह ठीक रहेगी। पर वहां तो छिपकली भी नहीं छिप सकती। उमर उठो। ठीक है सर। दूसरी तरफ चेक करो। सर आखिर वो वहां पहुंच ही गए जहां हम चाहते थे। खुले में सबको मारना आसान होगा। जी सर। चलो चले। आ गए। चलो वो देखो वो रहे। चलो उनका पीछा करो। ये गोलियों की आवाज सुनी? कुछ नहीं, लेफ्टिनेंट संद्रीनी है सर। क्या संद्रीनी पागल हो गया है? शायद हमें आगाह कर रहा है सर। रुक जाओ, रुको।
सेंचुरियों ने तुम्हें कुछ दिखाई दिया? नहीं, कुछ नहीं सर। कुछ नहीं? वो लोग दूर निकल रहे हैं, वो हमारे हाथ लग चुके थे। चलो उनका पीछा करो। चलो चलो जल्दी चलो। मशीनों को देखो जरा। ये देखिए, हम कैदियों को नहीं मारते लेकिन वो हमें मारते हैं। ये जानवर हैं पर हम नहीं। ये तो बच्चा है। ये लो, अपने जनरल से कहना उसकी जगह यहां नहीं है।
मेरे खाविंद। मैं उसकी किताब लाया हूं वापस। उसने पीठ नहीं दिखाई दुश्मनों को। इधर आओ। नाम क्या है तुम्हारा? अली। ओह हाँ, अली। ये तुम्हारे लिए, ये सिर्फ तुम्हारी किताब है। अपनी अम्मी से कहो तुम्हारे लिए संभाल कर रखे। इसे नहीं दिखने चाहिए। कल की लड़ाई इन्हें लड़नी है। बच्चों के सामने हमेशा मजबूत रहना, कमजोर नहीं। रोना बंद करो, अंदर जाओ। चलो अली, हम लोग खेमे देखते हैं। मेरा दोस्त है अली। अली, ये बुमा तारी है। इसका एक छोटा सा बेटा है तुम्हारे जैसा, वहां कुफरा में जो दूर रेगिस्तान में है। बहुत याद करता है ये उसे। अब हमें कुछ काम करना है। वो कैरो, ध्यान से बेटा। ओ, चश्मा पहनकर मैं ऐसा दिखता हूं क्यों अली? अभी मुझे ये वापस करो, नहीं तो मैं पढ़ नहीं पाऊंगा। तुम जाओ, जाकर देखो लोग काम कर रहे हैं कि नहीं। जाओ। एक लेफ्टिनेंट और एक फौजी गाड़ी, सिर्फ यही बचा है हमारी पूरी बटालियन में। रेगिस्तानी लुटेरों से मात खाने के लिए मैं लीबिया नहीं आया। मरने वाला टोमैली हमारे जाबाज अफसरों में से एक था। इस जवान लड़के ने हमारा झंडा वापस लाकर हमारी इज्जत रख ली। सर, ये झंडा उन्होंने? हाँ हाँ, तुम्हें तुम्हारी बहादुरी के लिए इनाम जरूर मिलेगा। मैंने आज तक मुल्क का झंडा नहीं खोया। साहिबान, मैं एक बार फिर अपनी बात दोहराता हूं, हम सिर्फ मुख्तार और उसके छन सिपाहियों से नहीं लड़ रहे हैं, बल्कि इस मुल्क की पूरी आवाम और उनकी बगावत के खिलाफ लड़ रहे हैं। रोम को जवाब देना है, इसलिए मैंने आखिरी कदम उठाने का अब फैसला कर लिया है। याद रहे, इस मुल्क से सारे बेदवीनों का हमेशा हमेशा के लिए नामोनिशान मिटा देना है। इसलिए मैंने पूरी आवाम को कैद करने का सोचा है। सबको कैद में रखेंगे? हाँ, पूरे तारों के जाल के पीछे सख्त कैद, और जब तक मुनासिब नहीं होगा हम उन्हें नहीं छोड़ेंगे। अब कोई रहम नहीं उन पर, ये उनकी अपनी करनी है। कुओं में रेत डाल दो, उनके खेत जला दो, उनके पेड़ तहस नहस कर दो, इस जमीन का रंग काला कर दो। जब वो वहां रह नहीं पाएंगे तो छोड़कर चले जाएंगे। वो बगावत पर उतर आए तो फिर उन्हें वही सजा दो जो रोम में हर बागी को दी जाती थी, सजाए मौत।
पीछे मुड़ो। दंगा फसाद और बगावत के जुर्म में तुम्हें मौत की सजा सुनाई जाती है। एक, दो, तीन। No. सालिम ले गए सबको अपने साथ। कोई कायर ही ऐसी जंग लड़ेगा जो फौज के खिलाफ नहीं बल्कि मासूमों के खिलाफ हो। उन खेमों से जिंदा कम और मुर्दे ज्यादा वापस लौटेंगे, पर वो लोग वहां बेवजह मरेंगे बिना किसी कसूर के, या फिर हम वजह हैं और कसूरवार भी। बर्बाद कर दिया सब। खुदा ने जमीन से फलक उठाया
और हर चीज का तवाज़ुन बनाया। ये बात जानता है, जल्दी करो सिद्धि उमर। Thank you.
तो तुम हो वो बहादुर जाबाज, बहादुर जाबाज लड़का जिसने मुझसे मुख्तार को बचाया। क्यों किया ऐसा? तुम जवान हो, पूरी जिंदगी है तुम्हारे सामने, जवाब दो। तुम जीना नहीं चाहते? बोलो। मैं चाहता हूं उमर जी, तुम अच्छे सिपाही बन सकते हो, तुम हमारे लिए क्यों नहीं लड़ते? तुम कुछ ज्यादा ही होशियार हो शहजादे, बिगाड़ दोगे इसे। ले जाओ इसे, जो मांगे दो इसे, फल मेवे शहद कुछ भी, और पीटना नहीं इसे, फांसी दे दो कल सुबह। कभी आपने सोचा है जनरल कि हम यहां अपनी हर हरकत से इतिहास का एक कड़वा सच बन रहे हैं, जबकि ये रोम के अखबार के कोने में छपी खबर से ज्यादा कुछ नहीं है? यही तो हमारी ताकत है शहजादे, मुझे यहां की परवाह नहीं। रोम में छपी एक दिन की खबर की अहमियत मेरे लिए यहां लीबिया में बसे एक युग की याददाश्त से ज्यादा है। लेकिन क्या होगा अगर रोम हमारी बहादुरी भूल जाए और लीबिया के लोग तानाशाही याद रखें? तुम बेकार परेशान हो रहे हो शहजादे, हम लोग यहां पर इतिहास रचेंगे। लीबिया हमारे लिए कांटों का ताज है। बिल्कुल नहीं। लीबिया एक चुनौती है, बताता हूं। जरा देखो इसे, हमेशा वही कहानी है। हम रेगिस्तान में कभी उनका पीछा नहीं कर सकते, और मुझे कुफरा तक पहुंचने के लिए रेगिस्तान पर कब्जा करना होगा, यहां से यहां तक। क्या ये आसान है? बिल्कुल नहीं। वैसे भी ये सिर्फ रेगिस्तान है, कुछ नहीं है यहां सिवाय आंधी और रेत के, बागी भी थोड़े बहुत ही हैं। कब्जा करके क्या मिलेगा? रोम की शान शौकत, एक और मुल्क हमारे कब्जे में, उसी पहाड़ में दफन की हुई बगावत, मेरा नाम और फौज के इतिहास में नया पन्ना। इसलिए तुम्हारा रेगिस्तान भरा हुआ है, खाली नहीं शहजादे। देखो किसे बुलाया मैंने। डियर डेज, तुम्हारा वक्त आ गया, बैठो बैठो यहां बैठो। शुक्रिया सर। तुम बागियों से हाथ मिलाकर अमन कायम कर सकते हो, तुम्हें यही करना है। रेगिस्तान में दोस्ती का हाथ, मैं चाहता हूं तुम अमन की बात करो बादशाह सलामत से। उमर मुख्तार से, अब ये इतना आसान नहीं होगा सर। नहीं, मगर तुम ये करोगे क्यों? तो क्या बंदिशें होंगी हमारी बातचीत की उमर मुख्तार से? कुछ नहीं। कोई बंदिश नहीं, लीबिया के हर मामले पर बात करेंगे इन भागियों से। सुना तुमने? हम पूरी साफ दिली से बातचीत करने को तैयार हैं। वो हमसे 20 साल से लड़ रहा है, वो जानता है हम उसके दुश्मन हैं, वो कई बार सुन चुका है हमारे वादे। 20 साल बहुत होते हैं, 20 साल से वो फांसी से भागता फिर रहा है, ये जानते हुए भी कि जीत उसकी नहीं होगी, सिर्फ उम्मीद लिए हुए। जिसकी जंग उम्मीद पर टिकी हो, अगर वो आदमी झूठे वादों की दुहाई देगा तो फिर वो बेवकूफ है। तो सर, उमर मुख्तार से कब मैं आपकी तरफ से बातचीत शुरू करूं? बहुत जल्दी है तुम्हें। उमर मुख्तार से जब तुम बात करो तो बातचीत में रफ्तार होनी चाहिए, रफ्तार। अगर वो
तुमसे बात करना चाहे या नहीं, तुम जरूर करना, आजमाओ उसे। ठीक है, मैं कोशिश करूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया, अचानक बुलाने पर भी आप चले आए, इसके लिए शुक्रिया। शुक्रिया। देखा, हो गया ना काम? इस काम के लिए सही आदमी नहीं है। डीओडीच उसे जो कहेगा वो नहीं मानेगा, और मुख्तार इसे जो मांगेगा ये वो नहीं दे सकेगा। साफ दिख रहा है कि आप उनसे अमन नहीं चाहते हैं। नहीं नहीं नहीं, ये गलत है बिल्कुल। मैं भी अमन चाहता हूं, मगर वो अमन जीतना चाहता है, क्योंकि कभी कभी शहजादे ताकतवर लोग अमन जीत कर हासिल करते हैं, है ना? ओमार अमन तो नहीं देगा, मगर वो मुझे वक्त देगा, और मुझे वक्त ही चाहिए। उमर मुख्तार, इतने सालों के बाद हम पहले लोग हैं जो इसे देख रहे हैं। रेगिस्तान का शेर, सलाम अलैकुम। कर्नल ड्यूडिच। जी सर। आइए। इस तरफ। कर्नल बरिल्लो, ये मर्ज की फौज के गवर्नर हैं, और ये है कमिश्नर लुबिटो, जो सीधे आए हैं रोम से हमें सलाह देने और मदद करने। ओ, आपने हमें बातचीत के लिए बुलाया, हम हाजिर हैं। जनाब आला, मेरी ख्वाहिश है कि एक दिन इटली और अरब के लोग एक साथ रहें। हमारे आने वाले कल का लक्ष्य एक ही है, और हम एक दूसरे की काबिलियत का लेन देन चाहते हैं। हमारे कायदे कानून और आपकी तहजीब, दोनों का मधुर मिलन हो। मैं चाहता हूं कि टूनिशिया और इजिप्ट के सरकारी नुमाइंदे भी हमारे समझौते के दौरान मौजूद हूं। हाँ हाँ, जहां तक उनका सवाल आता है वो सवाल ही नहीं उठता। ये तो अंतरराष्ट्रीय मान्यता की बात ऐसे कर रहा है जैसे बेडविन कोई आजाद मुल्क हो, जो कि ये दरअसल नहीं है। ये लोग हमारे मुल्क के ही आवाम हैं। हमारे झगड़े दो मुल्कों के बीच नहीं बल्कि आवाम और सरकार से हैं। हम अपने अंदरूनी मामलों में बाहर का दखल कतई नहीं चाहते। तो उन्हें गलत तस्वीर क्यों दिखाते हैं? हम इटली वासी नहीं है, इसलिए ये अंदरूनी मामला नहीं है। हम जहां जन्मे वहां अल्लाह ताला की मर्जी से जन्मे हैं, और अपनी माओ की कोख से हम आप नहीं है। हम विदेशी नुमाइंदों की बात बाद में करेंगे, क्योंकि अब तक तो ना समझौता हुआ है ना लिखा पड़ी। पर हमने तो लिखा है। हमें अपने मदरसे चाहिए। ओ हाँ, हाँ बिल्कुल।
तालीम की आजादी जरूर मिलेगी, स्कूल दोबारा खोल दिए जाएंगे। हमें अपने मुल्क की हिफाजत के लिए जरिए चाहिए और उनके लिए हमें अपनी सियासी मजलिस भी। सियासी मजलिस संभालना रोम का काम है, इस टेंट में बैठे लोगों का नहीं। क्यों नहीं? आप ही ने कहा था कोई बंदिश नहीं, कहा था ना कोई रोक नहीं, कोई अलगाव नहीं, हर मसले पर बातचीत होगी यहाँ इसी खेमे में। ऐसा करते हैं कि इस वक्त सियासी मजलिस की मांग हम लिख लेते हैं। अच्छी तरह लिखिए। जब्त की हुई जमीनें वापस चाहिए हमें। देखिए, अब ये मत कहिएगा कि वो जमीन जब्त की गई है, मैं तो कहूंगा कि वो महफूज की गई है तरक्की और खुशहाली के लिए। उन जमीनों की एक तरह से परवरिश की जाएगी। परवरिश की जाएगी इटली वासियों से? आप लोग समझते क्यों नहीं कि 20 साल 40 साल वो छीन लेते हैं जमीनें जिन पर हमारा हक है। यही तो सालों से हमारी लड़ाई है। मगर जमीन की परवरिश होगी तो लोगों को रोजगार मिलेगा। जब तक तुम हमारी जमीनें छीनोगे और जब तक हम में दम है, हम तुमसे जरूर लड़ेंगे। वाकई? हाँ बिल्कुल लड़ेंगे। लेकिन आपके कुरान शरीफ में तो साफ लिखा है कि आप लोगों को वो जंग लड़ने की इजाजत नहीं है जो आप जीत नहीं सकते। अब आप सिखाएंगे हमें हमारा मजहब? उसमें साफ तौर पर लिखा है कि अपनी हिफाजत करना खुदा की तरफ हमारा फर्ज है, खासकर उन लोगों से जिन्होंने हमें हमारे घरों से बेघर कर दिया है। मेरे ख्याल से इस बातचीत को इस वक्त यहीं रोक देना चाहिए। हमें कोई जल्दी नहीं, मगर आप लोग क्यों टाल रहे हैं? जनाब, हमें आपकी मांगे भिजवानी होगी सीधे रोम। अगली मुलाकात में हम आपको रोम का जवाब दे देंगे और अपनी तरफ से पेशकश भी रखेंगे। कम से कम जनाब उमर, कम से कम ये तो साफ हो गया कि हम आपस का खून खराबा रोकना चाहते हैं। इटली की नई खोज, जंग में हवाई जहाज का इस्तेमाल, रेगिस्तान में पहली बार टैंक, देखना इतिहास से घड़ी याद रखेगी। हमें चाहिए था वक्त, हमने हासिल कर लिया वो वक्त। अब अमन की बात इत्मीनान से होगी। पहला, उमर मुख्तार के आदमी इटली की फौज में फौरन भर्ती किए जाएंगे। बोलते रहो। दूसरा, इटली की सरकार मुख्तार के आदमियों को हर महीने तनख्वाह देगी। बोलते रहो। रुक क्यों गए? हमारी सरकार इस समझौते के पहले किए गए किसी भी गुनाह की सजा उसके गुनहगार को दे सकती है। उमर मुख्तार को ऐसे लोगों को बचाने का कोई हक नहीं होगा। ये समझौता हमारी बेइज्जती है। इसका मतलब है हथियार डाल दो बिना किसी मुद्दे पर बहस किए। हमारी इटली की सरकार उमर मुख्तार को हर महीने 50,000 लीरा पेंशन देने का वादा करती है और उसके साथ एक शानदार घर भी।
क्या उमर मुख्तार इतना काबिल हो गया है या वो इतना कामयाब हो गया है कि कोई उसे 50,000 इटालियन पैसे देने की कोशिश करे? जानते हैं मुझे इस तरह रिश्वत देकर आप मेरी बेइज्जती कर रहे हैं। जनाबे आला, ये पेशकश मैंने तैयार की, मेरा यकीन कीजिए। इसे रिश्वत का नाम तो आप मत दीजिए। हम चाहते हैं कि आप अपनी बची जिंदगी आराम से गुजारे। जब तक मेरे लोग आपके कैदी बनकर जी रहे हैं, मैं आराम से कैसे रह सकता हूँ? और आपका वो जनरल कहाँ है जो बम और बंदूकों की जुबान से बात करता है? वो कभी यहाँ क्यों नहीं आया? जब हमारे बीच किसी तरह का समझौता हो जाएगा तो जनरल गैजियानी को आपसे मिलकर खुशी होगी। उसे नहीं देखना चाहते हम। हम चाहते हैं कि वो यहाँ से दफा हो जाए। उसने और फौज और मशीनें क्यों मंगवाई हैं? वो कहाँ जाना चाहता है? यहाँ के आखिरी जजीरे तक? पानी के 6,000 ड्रम किस लिए? वो जाना चाहता है कुफरा तक। तुम अमन चाहते ही नहीं थे, तुम्हें चाहिए था सिर्फ वक्त। हम तैयार हैं ग्रिजियानी के लिए। अगर आपने समझौता नहीं किया तो हम फौरन खौफनाक जंग शुरू कर देंगे। ओ, जानता हूं तुम्हारी सरकार की ताकत, जिस ताकत से हमें धमकाते रहे। हम 20 साल से तुम्हारे खिलाफ रहे हैं और इंशाल्लाह तुम्हारी आखिरी सांस तक लड़ते रहेंगे। मुझे मालूम था यही होगा। बेवकूफ हैं, सोचते हैं घोड़ों पर सवार होकर तोपों का मुकाबला करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कुफरा ही उनका मकसद है, कोई शक नहीं। हजारों सिपाही, तोपे, मशीन गने सब कुफरा की तरफ बढ़ रहे हैं। ग्रिजियानी वो कर रहा है जो आज तक किसी ने नहीं किया। उसने रेगिस्तान में टैंक उतार दिए हैं, मगर वक्त हमारे साथ है। अगर ग्रिजियानी दक्षिण की ओर कुफरा जा रहा है तो हम उत्तर पर हमला बोलेंगे, उसे वापस खींच लेंगे। पर हमें लड़ना होगा कुफरा की खातिर। सब कुछ जानते हुए मरना बेवकूफी है। जो चला गया उसे भूल जाओ। हम जानते हैं तुम्हारा परिवार वहां है, मगर कुफरा को बचाने का मतलब मौत है। मुझे जाना होगा। हाँ, जरूर जाओ।
सुनने के लिए तैयार हो? जी सर। शाबाश, तो पहुंचा दो उन्हें जहन्नम। कैप्टन संद्रेनी, फायरिंग शुरू करो। कमांडर, चलो सर। सर, सर, चलो। सब तैयार रहे। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। हथियार खोल दो, तोपे आगे ले जाओ। आगे बढ़ो, वो सामने है। Oh!
ये क्या कर रहे हो? ये सर सानी साहब का हुक्म है सर। कोई पीछे नहीं हटेगा, हम यहीं लड़ेंगे या मरेंगे। उस तरफ खड़े हो जाओ, चलो जल्दी, सुनाई नहीं देता, चलो जल्दी खड़े हो जाओ, बंदूकें ताने रखो, सामने की तरफ देखो, हाँ चलो उधर देख, सीधे खड़े रहो। अब ठीक है, दोस्तों यह है कुफरा। जवानों सावधान, सलामी देंगे सलामी दो।
कुफरा पर कब्जे से हमें गहरा सदमा लगा है। इसे दक्षिण का रास्ता बंद हो गया है। अब हथियार बारूद पहुंचाने का रास्ता सिर्फ मिस्र की हद से मुमकिन है। हमें हथियार और खाने पीने के सामान की सख्त से सख्त। इटली की गाड़ियां इस तरफ आ रही हैं। कितनी गाड़ियां हैं? 3। उन पर सफेद झंडे लगे हैं। आने दो उन्हें, बाकी बाद में लिखेंगे। शरीफ अल गिरयानी, यहां आने के लिए हमें इटली वालों की गाड़ियों में आना पड़ा। काफी आराम से सफर हुआ होगा। हमें आपसे बात करनी है, अकेले में। जो हमें कहना है सबके सामने नहीं बताया जा सकता। तो फिर वो मुझसे भी नहीं बताया जा सकता। उमर, तुम हथियार क्यों नहीं डाल देते? और ऐसा तुम अपनी शर्तों पर कर सकते हो। मोहम्मद रिदा तुम्हारे मुल्क से बाहर जाने का इंतजाम कर देंगे। मुल्क से बाहर? मगर कहां? मिस्र। हाँ, मिस्र। इसके भाई के साथ छिपने के लिए, इस मुल्क को बचाने के लिए सिर्फ तुम ही बचे हो। अच्छी सलाह दी। देखो, देखो इसकी तरफ। मगर मेरे लोग भी जंग लड़े थे। सिर्फ अपना ऐशो आराम बचाने के लिए। अब कहां हो तुम? उमर मुख्तार, इटली वालों ने भरोसा दिलाया कि वो हमें। हाँ, तुम उन्हीं के पास चले जाओ। मेरे दोस्त, इस मुल्क पर हुकूमत उनकी है। नहीं, वो दिन में ये जमीन हथियाते हैं, पर खुदा कसम रात होने तक हम छीन लेते हैं। उमर मुख्तार, तुम अकेले हो, कटे हुए हो पूरे मुल्क से, अलग हो गए हो बाकी दुनिया से, और लीग ऑफ नेशंस वो हमारी बात भी नहीं करेंगे, और अगर करेंगे तो भी कोई सुनने वाला नहीं होगा, क्योंकि किसी को कोई परवाह नहीं है। ये जंग वहां राष्ट्र संघ में नहीं लड़ी जा रही है जनाब, ये जंग लड़ी जा रही है यहाँ इस जमीन पर। उमर, तुम ये जंग नहीं जीत पाओगे, मिट जाओगे उनकी तोपों के सामने। हर इंसान के 2 दिन होते हैं, एक उसका होता है और एक उसके बच्चों का। तुम्हारे यही बच्चे सिसक रहे हैं और तड़प रहे हैं, ये सब मर रहे हैं भूख से, क्योंकि तुम जंग पर अड़े हुए हो। हाँ, वो जंग के कैदी हैं, पर एक ने भी मेरा साथ नहीं छोड़ा है। एक ने भी मुझसे हथियार डालने को नहीं कहा, क्योंकि वो जानते हैं और मैं जानता हूँ कि अगर मैं हथियार डालूं तो ये उनके साथ धोखा होगा। उमर, हम साथ बड़े हुए हैं, याद नहीं तुम्हें 70 साल पहले हम दोनों साथ खेला करते थे? हाँ हाँ, याद है मुझे। लेकिन देखो, आज हम दोनों कितने अलग हैं। देखो, बाइज्जत अमन कायम करने के लिए तुम्हारे पास और कोई चारा नहीं है। वो लोग जमीन हथियाते हैं, घर बर्बाद करते हैं, वो मासूमों का कत्ल करते हैं, और तुम इसे कहते हो अमन? हा? नहीं, बिल्कुल नहीं चाहिए मुझे अमन कायम करने का ऐसा मौका। तब तो हमें चलना चाहिए। हाँ, मेरे ख्याल से यही ठीक रहेगा। चले जाओ।
मबरूका इधर। तुम जिंदा हो? हाँ जिंदा हूं, सिद्धि उमर के साथ। मैंने तुम्हारे लिए दुआ की, जब इस्माइल से मिलो तो उसे थैला दिखाना, उसने मुझे दिया था। उठो तुम, चलो जल्दी। ये बच्चा बीमार है। बच्चे की जरूरत नहीं हमें, हमें तो इसकी जरूरत है। चलो तुम लोगों पर बागियों की मदद करने और उन्हें ऐशो आराम और पनाह देने का इल्जाम है। तुम कबूल करते हो ये सारे इल्जाम? तो तुम्हें सारे इल्जाम कबूल हैं। तो इसलिए तुम्हें फांसी पर लटकाकर सजाए मौत का हुक्म सुनाया जाता है। Thank you.
सोने का मेडल जीतने के नाते लेफ्टिनेंट तुम्हें फांसी का हुक्म सुनाने का हक दिया जाता है। नहीं। क्या कहा तुमने? तुम अपना फर्ज निभाओगे लेफ्टिनेंट। औरतों को फांसी पर लटकाने में फौज में नहीं आया सर। तो ठीक है कैप्टन मोनिपोलो, लेफ्टिनेंट सैंड्रिनी तुम्हें हुक्म न मानने के लिए गिरफ्तार किया जाता है। हमें जिंदगी अता फरमाने का शुक्रिया। मैं क्या कर सकता हूं? तुमने हुक्म नहीं माना। हुक्म न मानना संगीन अपराध है। जब फौजी अफसर अपने जमीर की आवाज सुनने लगे तो यह न खत्म होने वाला किस्सा बन जाता है। मैं कोर्ट मार्शल में जवाब देने को तैयार हूं सर। जरूर। पर मैं अपनी फौज के नए हीरो को खोना नहीं चाहता हूं। वो हीरो जिसे मैंने बनाया, याद रखो, कोर्ट मार्शल तक पहुंचने की भी इज्जत तुम्हें नहीं बख्शूंगा। तुम्हें हुक्म मानना सिखाया गया है, सवाल पूछना नहीं। हां सर। बेकार की बहस मत करो मुझसे। सियासत की मांगे किसी के जमीर से ज्यादा नहीं होती, वो मांगे जो किसी एक की अक्ल से भी ज्यादा अहमियत रखती हैं। जी सर। तुम ड्यूटी करने सरसनी के साथ जंग पर जाओगे। शहीद की मौत मरने का मौका मैं तुम्हें दूंगा। संभालो, मैं तेल उड़ा देता हूं। The old man has these mountains and he uses them. Last night proved that. Now, beyond this mountain range, there is a plateau upon which instinct tells us that tanks can't operate. Now, that is not true. It will be difficult, yes, but it will be decisive. Now, we control the approach roads here, here, and here. These are tank roads now. Use them, will you? Sir, yes, Ivor. Intelligence.
If I can think about it, you execute it, especially if I can put you on that plateau without a shot being fired at you. Yes, sir. I'll direct Mukhtar here using artillery, gas, aircraft, no armor. Once he's committed himself 30 kilometers to the west by this road, I will then push my arms through. That'll leave them with their mouths open. Let's flush them out. Let's get to high ground. Get back to high ground! Move! Everybody! Given us 5 days and nights of it. He's making a big push for the mountains. And only using artillery. His tanks and armored cars are useless in the mountains. They can only operate on level ground. But he forced us here. What does that suggest? He wants control of the mountain roads. Yes. And what is there? The bridge at Wadi al-Kuf. That is what he wants. Saiban, is bar wo nahi bachega. पहले हम पुल कब्जे में लेंगे, अपनी फौज पीछे रखेंगे, हथियार चलाने वाले सामने होंगे, फिर हमला करके उसे पकड़ेंगे। पर वो पुल सर, मैं हैरान हूं कि मुख्तार ने अब तक वो पुल उड़ाया क्यों नहीं। वो इसलिए क्योंकि वो सिर्फ लड़ना जानता है, दिमाग चलाना नहीं, समझे।
वो आप लोगों की तरह मिलिट्री स्कूल में नहीं गया था। अब वक्त आ गया है उसे जाल में फंसाने का। जाओ पुल देखो सर्जेंट, जाओ पुल देखो। यहां सब ठीक है? ठीक है, जाओ अगला पुल देखो, मैं यहां पर संभालता हूं। यस सर, चलो। उस पुल को हमें उड़ा देना चाहिए था। नहीं, उन गाड़ियों को हमें रोकना चाहिए। चलो इशारा दो। होशियार, होशियार। सब तैयार रहे। चूहे ये पनीर का टुकड़ा कभी नहीं छोड़ सकते, कभी नहीं।
सबको हथियार तैयार रखने को कहो। अब फौज को आगे भेजो। Thank you.
होशियार है, होशियार है, ये बुड्ढा होशियार है। रोम, इटली की राजधानी, सन 1930। मेरे जाबाज जनरल, मेरे होशियार जाबाज जनरल, तुम्हारे काम की थोड़ी तारीफ मैंने भी ले ली, आखिर तुम्हें मैंने ही चुना था ना। उम्मीद करता हूं कि मैं तुम जो चाहे मांग सकते हो, तुम इस कमरे में सबसे खुशकिस्मत इंसान हो। ये जंग मैंने खुद रेगिस्तान से पहाड़ों तक सीमित कर दी है, बचे खुचे दुश्मन पहाड़ों में छिप गए हैं और हम आखिरकार उस मकाम पर पहुंच गए हैं जहां से हम उन्हें यानी एक एक को गर्दन से पकड़कर बाहर निकाल सकते हैं। सर मैं नहीं जानता कि जानता हूं तकलीफ हो रही है तुम्हें, तुम्हें परेशानियां हो रही है उनके पहाड़ों में छिपने से। जो दुश्मन दिखता नहीं उससे कैसे लड़े, उनके हमले अभी बरकरार है, उनकी कोई शक्ल नहीं है। अगर शक्ल होती तो मैं शक्ल से जवाब देता, पर उनका ना तो कोई आगे बढ़ने का खास तरीका है और ना ही हमले की एक जैसी चाल। पर आज मैं आपके पास खाली हाथ नहीं आया सर, मेरे पास इसका एक हल है, हेड्रियन जैसी दीवार। ओह, मगर तब हेड्रियन ने दीवार जंगलियों को बाहर रखने के लिए बनाई थी, मैं उन्हें कैद करने के लिए बनाऊंगा। मेरा एक मशवरा है सर कि लीबिया को बांध दिया जाए, तारों का ना टूटने वाला जाल रेगिस्तान के चारों तरफ लगाया जाए जो समंदर से इस रेगिस्तान के लगे हुए समंदर तक पहुंचे। इससे दुश्मनों को मिस्र से मिलने वाली मदद भी खत्म हो जाएगी और उनका मिस्र से भागने का रास्ता भी। सर अगर हम सैकड़ों मील लंबी तारों की दीवार बनाएंगे तो उसके खर्चे का अंदाजा है आपको? हेड्रियन की दीवार पर सवाल क्यों, तुम्हें याद नहीं उसी हेड्रियन की दीवार की वजह से रोम ने अंग्रेजों पर 100 साल से भी ज्यादा राज किया। वो उधर देखिए सर, काफी मरे पड़े हैं, ये लोग तार काटकर गोला बारूद चोरी करके यहां से भागने की कोशिश कर रहे थे। बढ़िया, ये हुई ना बात, अब उसके पास हमारे कैदियों को देने के लिए थोड़े हथियार ही बचे हैं,
वो जल्द ही हम बंद कर देंगे, बिल्कुल बंद कर देंगे। कितनी गोलियां बची है तुम्हारे पास? 12। इस तरह तो हम बहुत जल्द उनसे पत्थरों से लड़ने वाले हैं। कब तक चलेगा ऐसे? कयामत के दिनों तक। पूरे महीने में कुछ भी नहीं आया, हम तारों के जाल से जंग लड़ रहे हैं। वो तारे जीत जाएंगी अगर वो हमारा हौसला तोड़ दे, सिर्फ तब। हाँ, वो जाल हमारे लिए परेशानी बन गया है, वो हमारी गर्दन पर लिपट गया है, मगर सिर्फ खुदा, ग्रिज्यानी नहीं, खुदा हमारा मुस्तकबिल तय करेगा। खुदा की जाओ, हम इन्हें रोक कर रखेंगे। आ, 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 आ,
चलो ढूंढो उसे। हाँ ढूंढो उसे, देखो वो कहाँ है। ये खुदकुशी है सर, इन्होंने अपनी टांगे बांधी हैं ताकि भाग ना सकें। मत मांगो, भीख नहीं बच्चे। इधर आओ। तुम हथियार के साथ पकड़े गए। तुम गोली मार दो, उस तरफ और भी है, पीछा करो। चलो, तुमने पकड़ा इसे, मार दो गोली। अरे गधे, कहीं के कहां ना गोली मारो।
कहां है वो? ये वही है ना? हाँ, मैं इन्हें पहचानता हूं। ये उमर मुख्तार है। इन्हें ऐसे देखकर मुझे बहुत बुरा लग रहा है। ऐसा कैसे कह सकते हैं सर? ये 20 साल से हमारे खिलाफ बगावत कर रहा है। एक बहादुर दुश्मन की हैसियत से हमें उमर मुख्तार के साथ पेश आना चाहिए, इज्जत से और पूरे अदब कायदे से। अदब कायदे से? इस पर तो कोड़ों की बरसात करनी चाहिए। तुम अपनी औकात भूल रहे हो। सर, कुछ कर सकते हैं हम आपके लिए? अगर आप मुझे थोड़ा पानी दिला दे तो मैं इबादत के लिए तैयारी कर लूंगा। जरूर। और इबादत के वक्त अगर जंजीरें, सवाल ही नहीं उठता। ये सिर्फ इबादत करना चाहते हैं। मैं दीवारें कूदने या खोदने के लिए बहुत बूढ़ा हूं। घंटे भर के लिए जंजीरें खोल दो। आप अपनी जिम्मेदारी से ये करेंगे सर? हाँ। जाओ पानी लेकर आओ। शुक्रिया। नहीं, जरूरत नहीं। उमर मुख्तार, अल्लाह।
बहुत दूर से तुमसे मिलने आया हूं। तुम्हें इंतजार करना होगा। एक सवाल पूछना चाहता हूं तुमसे। तुम इतने बरस हमसे लड़ते क्यों रहे? मतलब तुम्हें क्या लगा तुम चंद बागियों के साथ हमें लीबिया से निकाल दोगे? हम लड़े तुमसे यही काफी है। अपने मुल्क की बर्बादी का भी ख्याल नहीं आया? तुम लोग मेरे मुल्क की बर्बादी हो। तुम क्या करते अगर कोई तुम्हारा मुल्क हथिया लेता? तुमने कभी सोचा तुम्हारे किए हमले हमें कैसे दिखते थे? छिपकर, अंधेरे में कत्ल करना, दिन में धोखा देना, धमकाना सब किसानों को। हमारी जमीन पर खेती? लीबिया तुम्हारा मुल्क नहीं है, तुम्हें कोई हक नहीं है। एक गाय के दूध पर भी नहीं, एक लम्हे का भी हक नहीं है। इटली का यहां उतना ही हक है जितना किसी और का। इंग्लैंड का हक मिस्र पर, फ्रांस का टूनिशिया और अल्जीरिया पर, स्पेन का मोरक्को पर इनमें से एक भी नस्ल हमसी नहीं। इस जगह पर सैकड़ों बरस से हमारा हक है। सब ले लोगे तुम मुझसे और इस चोरी की मंजूरी भी मुझसे मांगोगे? किसी को दूसरों का मुल्क हथियाने का हक नहीं है। हम वापस लौट आए हैं यहां, कोई छुटला नहीं सकता इसे। देखो इस सिक्के की तारीख, यह शहंशाह सीजर के जमाने का सिक्का है जो लीबिया में तैयार किया गया था। तुम्हें यहां यूनानी, तुर्की और मिस्र के सिक्के भी मिलेंगे। हर जगह लीबिया में तुम्हें मिलेंगे, हमारी मिट्टी में दबे हुए। हां, मैं भूल गया था, तुम्हारी नजर कमजोर है। तुम्हारा चश्मा है ये शायद। जिस दिन ये मेरे पास लेकर आए मैं जान गया था कि तुम भी मेरे पीछे ही आते होगे। मेरा चश्मा? हम दोनों ही तुम्हारे कैदी हैं। कैदी हैं तो क्या हुआ, ले सकते हो तुम इसे, लो। सही है, सिक्के की तवारीख दिलचस्प है, लेकिन आज इससे कुछ खरीदने की कोशिश मत करना। तुम्हारा पैसा तुम्हारी शोहरत की तरह हमेशा के लिए नहीं रहने वाला, पर मैं कद्र करता हूं तुम्हारे अतीत की, वैसे ही तुम्हें भी कद्र करनी चाहिए। हमारा भी शानदार इतिहास है, विज्ञान में, गणित में, दवाइयों में। तुम्हारे अंधेर दौर से हम दुनिया को इल्म की तरफ लाए। हम चाहते हैं कि तुम अपने आदमियों को हथियार डालने को कहो। हम हथियार नहीं डालेंगे, हम जीतेंगे या फिर मरेंगे, और यह जंग जारी रहेगी। तुम्हें हमारी अगली पीढ़ी से लड़ना होगा और उसके बाद अगली से। जहां तक मेरा सवाल है, मैं अपने फांसी लगाने वाले से ज्यादा जीऊंगा। ये तुमसे किसने कहा कि मैं तुम्हें फांसी दूंगा? अगर मैं तुम्हें पेंशन पर रख लूं तो मेरा मकसद हासिल हो जाएगा। तुम्हें फांसी चढ़ाने में तो खुली कब्र छोड़ने जैसा खतरा है। हो सकता है तुम आवाम के लिए मिसाल बन जाओ। तुम मेरे साथ सिर्फ वही कर सकते हो जो खुदा ने तय किया है मेरे लिए।
जंजीरें परेशान कर रही हैं। सच तो ये है, ये वाकई परेशान कर रही हैं। बैठ जाओ। शुक्रिया। तुम जानते हो, मैं हमेशा सोचता था कि तुम और मैं कट्टर दुश्मन, तुम्हारी गिरफ्तारी के दिन बैठकर बातें करते कि ये जंग उमर मुख्तार की गिरफ्तारी से जंग नहीं खत्म होने वाली। मैंने बरसों तुम्हारा पीछा किया है, मतलब जानते हैं हम एक दूसरे को अच्छी तरह से। एक सवाल, क्या हम अमन की तरफ पढ़ सकते हैं? आज वो दिन आ गया, मैं तुम्हारा काम करूं। तुम जिंदगी की भीख क्यों नहीं मांगते हो? शायद मैं दे दूं। यूं बदले में तुम्हें क्या चाहिए? मेरी साझेदारी? नहीं नहीं, सौदेबाजी के लिए तुम देर कर चुके हो मुख्तार, बहुत देर कर चुके हो। मैंने तुमसे कोई जिंदगी की भीख नहीं मांगी। दुनिया वालों से ये ना कहना कि इस कमरे की तन्हाई में तुमसे मैंने जिंदगी मांगी। नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं करूंगा, मैं झूठ नहीं बोलूंगा। तुम एक बहादुर आदमी हो। उम्मीद है कि यह बहादुरी तुम कल भी दिखाओगे। तुम्हारे इंसाफ का फंदा हमेशा मेरे सामने लटकता रहा है जनरल। इसकी तस्वीरें निकलवाओ, मैं अपने दुश्मनों का रिकॉर्ड रखना चाहता हूं। जज से जरूर कह देना कि इसे इसके अपने लोगों के सामने फांसी दी जाए, वो वहां होने चाहिए। उमर मुख्तार, तुम पर अपने मुल्क की कानूनी सरकार के खिलाफ खुली बगावत का इल्जाम लगाया जाता है। क्या उम्र है तुम्हारी? 73 साल। क्या तुम लीबिया के बागियों के सरदार हो जो इटली के खिलाफ लड़ रहे हैं? जी हां। क्या तुमने इटली की फौज के खिलाफ हुए हमलों में हिस्सा लिया है? हां लिया है। और कितने अरसे से तुम इटली के फौजियों पर लगातार हमले करते आ रहे हो? 20 साल। कितने हमले किए हैं? मुझे गिनती कभी याद नहीं रहती। तुमने इटली के कैदियों पर जुल्म और उनके कत्ल का हुक्म जारी किया था? मैंने नहीं किया, कभी नहीं। तुम्हें हथियार के साथ रंगे हाथ गिरफ्तार किया गया था? हाँ किया गया था। मैं इटली का सिपाही हूं, मैदान जंग में यह मेरा दुश्मन है, मगर यहां
मुझे कहा गया है कि मैं इनकी पैरवी करूं। तुम बुजुर्ग आदमी हो, मौजूद लोगों में सबसे बुजुर्ग, और मैं ज्यादा सवाल करके तुम्हें परेशान नहीं करूंगा। क्या तुमने कभी इटली की सरकार को मान्यता दी है? कभी नहीं दी। क्या तुम्हें कभी पैसा या कोई रियायत मिली इटली की सरकार से तुम्हारे अच्छे बर्ताव के लिए? मुझे नहीं मिली, कभी नहीं। मैं ऐलान करता हूं कि उमर मुख्तार ने हमें कभी मान्यता नहीं दी, कभी कोई रियायत नहीं ली हमसे, कभी इस मुल्क में हमारे राज करने के हक को इन्होंने नहीं माना। इन्हें इसलिए इंसाफ की नजर में एक बागी करार नहीं दे सकते हम। आज 20 साल के बाद जब हमने इस जंग में उमर मुख्तार को गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल की है, तब हमें उनके साथ वैसा ही सुलूक करना चाहिए जो जंग में गिरफ्तार कैदी का होता है। खामोश, खामोश रहिए अदालत में। कैप्टन उंटानो, तुम्हें इस बागी पर लगे बगावत के इल्जाम को साबित करने का हुक्म दिया गया था, और तुमने इस कानूनी हुक्म को ना मानने की जरूरत की है। तुम्हारे जुर्म की सजा उमर मुख्तार, मौत है फांसी लगाकर सरेआम। सोलिश शहर के मैदान में कल सुबह 11 बजे, तारीख 16 सितंबर सन 1931, यानी हमारे तानाशाही जमाने का 9वां साल। हम अल्लाह से ही आते हैं, उसी अल्लाह के पास वापस जाना है। ट्रिपोलिटानिया सिरेनाइका की सरकार के नाम पर और बेनगाजी की फौजी अदालत के हुक्म के मुताबिक सितंबर की 15 तारीख सन 1931 तानाशाह के जमाने के 9वें साल में उमर मुख्तार, तुम्हें यह सजा सुनाई जाती है। तुम पर बगावत और इटली की सरकार के खिलाफ लगातार हमलों का इल्जाम साबित हुआ, इसलिए अदालत की दी हुई सजा सरेआम गर्दन से लटकाकर फांसी का हुक्म इस वक्त यहां अमल किया जाएगा। सेंट्रियोनी, शुरू करो। सिपाही
तैयार रहे। तेरा शुक्रिया खुदा, तूने मुझे दुश्मनों के हाथों मरने का फख्र दिया।
हम कभी हथियार नहीं डालेंगे, हम जीतेंगे या फिर मरेंगे। तुम्हें हमारी अगली पीढ़ी से लड़ना होगा और उसके बाद अगली से। जहां तक मेरा सवाल है, मैं अपने फांसी लगाने वाले से ज्यादा जीऊंगा।